नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में सुबह सुबह बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान गौतम के रूप में हुई। नवीन को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। नवीन पर चोरी के और एटीएम क्लोनिंग के अलग अलग जिलों में आधे दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा बताया गया, पुलिस को यह सूचना मिली कि कोई बदमाश दीदारगंज थाना क्षेत्र के पास किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने रूटीन चेकिंग की और इस चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस टीम पर फायर कर वह भागने लगा, जिसके बाद दीदारगंज थाना क्षेत्र की पुलिस टीम के अलावा बिलरियागंज थाना के पुलिस की हरकत में आ गई और कुछ देर बाद मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी नवीन पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने बताया कि नवीन पर एटीएम क्लोनिंग, चोरी सहित अलग अलग जिलों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस की गोली से घायल नवीन को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मौकाए वारदात से पुलिस को नवीन के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा कारतूस और 4-5 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। में चेकिंग के दौरान थाना दीदारगंज क्षेत्र के वेरीडी में चेकिंग के दौरान दीदारगंज और बिलेरागंज पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में शातिर एटीएम फ्रॉड व क्लोन कर गरीबों एवं वृद्धों का पैसा गायब करने वाला 25,000 रुपये का इनामी बदमाश नवीन गौतम पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। इसके पास से एक तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, 5 एटीएम कार्ड, कुछ रुपए तथा बरामद हुए हैं। ये एक शातिर बदमाश है जो एटीएम के आसपास लगकर जो गरीब और वृद्ध लोग होते हैं उनसे उनका एटीएम बदल लेता है, उनके एटीएम को क्लोन कर लेता था तथा बाद में उनके पैसे गायब कर देता था। इसके पास से इस तरह के बदले में 5 एटीएम और 1200 रुपए बरामद हुए हैं। इसके ऊपर आजमगढ़ और अन्य जनपदों के लगभग आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं तथा ये जनपद से वांटेड था और इस पर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम किया गया।